ग्राम नूरपुर थाना नक्सर हाल्ट की घटना के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि दीपेश की सूचना पर थानाध्यक्ष मैं फोर्स के ग्राम नूरपुर पहुंचते हैं, जहां राजन को एक लोडेड रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया जाता है। दूसरे रिवॉल्वर की तलाशी के दौरान वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी दौरान 10-12 लोगों के द्वारा पुलिस बल के साथ मारपीट करके राजन को छुड़ा लिया जाता है। इस दौरान 3 आरक्षी घायल होते हैं, जिसके संदर्भ में थाना नक्सर हाल्ट पर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। दिनांक 27 जुलाई की सुबह 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी होती है। उन्हें मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक अभियुक्त अजय पांडे के 2 बांह पे चोट है। इसके अलावा किसी को किसी भी प्रकार के अन्य चोट नहीं है। इसके पश्चात इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जहां इनकी अंतरिम बेल स्वीकार कर ली जाती है। दिनांक 27 से लेकर 30 तक परिवार के किसी भी सदस्य अथवा संगठन के द्वारा पुलिस उत्पीड़न के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं प्रस्तुत की जाती है। 30 तारीख की रात्रि में ट्वीट किया जाता है, जिसको संज्ञान में लेते हुए जांच की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। इसी क्रम में जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के द्वारा मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए जाते हैं, जो कि SDM जमानिया के द्वारा की जा रही है। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए थानाध्यक्ष नक्सरहाट और उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर किया जा चुका है। विदित हो कि इस प्रकरण के मुख्य अभियुक्त अजय पांडे के विरुद्ध 13 मार्च 2000 को थाना दिलदार नगर रेलवे स्टेशन पर आगजनी करने, तोड़फोड़ करने और पुलिस बल के साथ मारपीट करने का मुकदमा GRP थाना मुगलसराय पर पंजीकृत है, जिसके क्रम में इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई थी। विभिन्न सामाजिक संगठनों और व्यक्तिगत रूप से इस संदर्भ में जातिगत टिप्पणियां की जा रही हैं, जिससे जातिगत विद्वेष फैल रहा है और माहौल खराब हो रहा है। उक्त सभी टिप्पणियां भारतीय कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके संदर्भ में सोशल साइट्स पर मौजूद टिप्पणी पोस्ट से साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, जिसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि जातिगत विद्वेष फैलाने वाले ऐसे किसी भी टिप्पणी अथवा पोस्ट से परहेज कर सहयोग करें।